अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए सुराब गोट, कराची के इलाके सुराब गोट। सुराब गोट जो है सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे को टच करता है। ये देखें सामने जो है नादर बाईपास, और ये अल आसिफ स्क्वायर है। ये अल आसिफ स्क्वायर, ये सामने सुराब गोट का फूड स्ट्रीट है, और ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं हैदराबाद से, ये है सुराब गोट का फूड स्ट्रीट आजम स्क्वायर के पास। ये आजम स्क्वायर है, और ये तमाम खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर, रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। और सुराब गोट अलासिफ स्क्वायर और आजम स्क्वायर के आप अंदर चले जाएँ तो पूरी बहुत बड़ी मार्केट है। किसी दिन आपको मार्केट बड़ी विजिट कराएंगे। ये समझ लें कि कराची का एंट्री इंटरेस्ट है। यहाँ से जो हैदराबाद या सक्कर या लाड़काना या पंजाब जो भी है बस यहाँ उतारती है। यहाँ से तमाम बसें मिलती हैं। ये सामने रहायशी आबादी है। ये सामने जो बसें नज़र आ रही हैं ये लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सक्कर की तरफ जाने वाली रोड है, और ये दूसरे जो रोड है वो हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना से आ रही है। ये मेन स्टॉप है समझे यहाँ पर। ये कोई भी पंजाब से या लाड़काना से ये बस आते हैं तो ये बसें यहाँ से यहीं उतारती हैं और यहीं से बैठती हैं। ये बस जाती है ये हैदराबाद के लिए निकल रही है, और ये सब जो है ना ये पंजाब के लिए खड़ी हुई गाड़ी है। बहुत ये देखेंगे सामने जो है पैराडाइज बेकरी गुलशन की तरफ जा रहा है। बहुत रौनक वाला इलाका है ये।
ये देखें समोसे पकोड़े, समोसे और पकोड़े शाम के टाइम लोग यहाँ से ख़रीद के लेके जा रहे हैं सोहरावगढ़। जो सफ़र करते हैं हैदराबाद शक्कर लाड़काना वगैरह के लिए, वो यहाँ से पकोड़े समोसे लेके जा रहे हैं। ये पकोड़े, ये आलू के पकोड़े, ये समोसे और ये समोसे वाले। ये क्या है शरबत, क्या नाम है इसका? दूध अफजा। अच्छा, ये दूध अफजा शरबत है, लोग गर्मियों में यहाँ पर आके पीते हैं। शराब गोट पे ये बच्चा दूध रूह अफजा बेच रहा है। गर्मी का मौसम है और ये देखें लोग गर्मी से बचने के लिए सोहरावगढ़ पे ये गन्ने का रस लोग ख़रीद के पीते हैं यहाँ पर ना। हाँ मरा यहाँ से समझो सोहरावगढ़ स्टार्ट होता है। ये नागर बाईपास, नागर बाईपास का ब्रिज और ऊपर जो है ये नागर चुरंगी ब्रिज राशि से ब्रिज जा रहा है, मिशन की तरफ जा रहा है। तो सामने आप ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो अंचोली स्टार्ट हो जाएगा, अंचोली का इलाका।